जिस बेटी को फूल की कली जैसा संभाला वही सम्मान उसे ससुराल में भी मिले ऐसा हर कोई पिता चाहता है। लेकिन समाज में पहले दहेज के नाम की भस्मासुर ने कई लड़कियों की जिंदगी भस्म की है। ऐसी ही घटना की शिकार हुई है वाराणसी से नागपुर शादी कराई एक मासूम लड़की। हैरत की बात तो यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा भी अपराधी को खुली छूट दी जा रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है। आइए देखते हैं पूरा मामला। 13 मार्च 2022 को वाराणसी उत्तर प्रदेश के निवासी राजेश कुमार ओझा ने अपनी 22 वर्षीय बेटी आकांक्षा ओझा का विवाह विद्याशंकर उपाध्याय से कर दिया जिसने खुद का परिचय डॉक्टर के रूप में दिया था। सीधे तौर पर बोले जाए तो खुद को बाल चिकित्सक बताते हुए यह रिश्ता क्या क्या था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज में दहेज के नाम की कुप्रथा आज भी इस आधुनिक युग में पनप रही है जिसका मूल शायद पुत्री के लिए पिता का प्रेम और सहयोग ही होगा। जब कन्यादान के पवित्र और सर्वोच्च दान के साथ पिता 5 बर्तन और गौदान कर बेटी को विदा करता था लेकिन आज इस आधुनिक युग में इस प्रथा की संकल्पना लालच में बदल गई है जहां वधु पक्ष हमेशा से झुलसता आ रहा है। उसी तरह पेशे से साधारण अधिवक्ता होने के बावजूद राजेश कुमार ने अपनी बेटी को दहेज में पूरे 30 लाख रुपए दिए और बेटी को विदा किया। जाए कौर लड़की के हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी कि इसी बीच आकांक्षा के ससुराल वालों ने अत्याचार शुरू कर दिया जहां उन्होंने और पैसों की मांग की और उस दौरान राजेश कुमार द्वारा बेटी की शादी बचाने के लिए कई बार उनकी मांगें भी पूरी की। लेकिन जब यह मसला ज्यादा ही पेचीदा हुआ और आकांक्षा से मारपीट होने लगी तब आखिरकार राजेश अपनी बेटी को घर पर लेकर आए जिसके कुछ दिनों बाद आकांक्षा के ससुर की प्रकृति खराब हुई और इन आखिरी दिनों में उन्होंने अपनी बहू से मिलने की इच्छा जताई जिसके चलते आकांक्षा अपने ससुराल गई और उसी बीच उसके ससुर की मृत्यु हो गई। लेकिन इस समय अवधि में फिर से आकांक्षा के साथ मारपीट की गई जिसके बाद घटे मामले के बाद आकांक्षा अपने पति के साथ नागपुर आई लेकिन वहाँ कुछ अलग ही दृश्य था जहाँ आकांक्षा का पति विद्याभोज खोबराकड़े नामक महिला के साथ कुछ ज्यादा ही आपसी दिखाता था। आकांक्षा के सामने उसे चूमना उसके गोदी में बैठना आदि सब चीजें उनके लिए सामान्य थी। बाहर तो खुद को विद्यासागर की बिजनेस पार्टनर बताती थी लेकिन वहीं अंदरूनी आकांक्षा के सामने विद्याशंकर की पहली पत्नी होने का दावा करती थी और तो और अपने बेटे को भी वह उन दोनों की औलाद बता रही थी। इस पूरे दबाव यंत्र में आकांक्षा घुट रही थी लेकिन हाथ से मोबाइल छिन जाने के कारण वह कुछ भी नहीं बोल पाई और न ही अपने परिजनों से संपर्क कर पाती थी। जब उसे 27 मार्च को जान से मारने का भी प्रयास किया गया जिसकी प्राथमिक जानकारी आकांक्षा के पिता राजेश कुमार ने दी है। मैं अपनी लड़की की शादी वाराणसी में किया था। उसकी इसके हस्बैंड मेरी लड़की के हस्बैंड जो है यहाँ नागपुर में अपने क्लिनिक चलाते हैं और ये बताया गया था कि लड़का जो है MD है बच्चा का डॉक्टर है। इसी को देख करके मैंने मेरी लड़की जो है MBA की है और इसी देख करके हमने शादी किया था। शादी में हमने इसके अपने लड़की की शादी में 30 लाख रुपया खर्चा किया था जिसमें 4 पहिया गाड़ी लड़की का गहना और कीमती सामान मैंने इसको दिया था। शादी के देख करके शादी इन लोगों के पैसे के देख के लालच में ही किया था ऐसा सब प्रतीत होता है। शादी के समय से ही इनके ससुर इनके सास इनके देवर जेठान ये सभी लोग पैसे की मांग डिमांड करते थे। मैं अपनी आवश्यकता अनुसार इनको देता रहता था कि चलो बेटा मेरी लड़की खुशी रहे। अंत में इन्होंने कहा कि लड़की जो है लड़के के साथ रहेगी। लड़का जो है इनको लेकर के पहले बार लेकर के आया अपने नागपुर। उसने 27 मार्च को उस लड़की को इसको एक बार बड़ी मार पीट किया। मैंने मेडिकल कॉलेज में ले गया दवाई कराया लोगों ने वहीं के लोगों ने उठा के ले गया हम तो थे नहीं। दवाई कराया मेडिकल अफसर ने पूछा कि क्या इस पर FIR करना। हमने कहा कि नहीं FIR नहीं करना अभी सजेशन लेना छोड़िए लड़की के मामला है देखते हैं अगर सलट जाता है तो सलट जाता है अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि मुकदमा करना नहीं चाहता हूँ मैं लेके चला गया। इसके बाद मेरे घर लड़की रहने लगी 2 महीना रही। इसके ससुर जो है लड़की के मेरे ससुर काफ़ी बीमार पड़े आकर के उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि बेटा ऐसा है कि ससुर बीमार है अंतिम देखना चाहते हैं भेज दीजिए। मैंने भेज दिया वहाँ फिर गई फिर वही एक्टिविटी इन लोगों की शुरू हुई। वहाँ भी इन्होंने मारपीट किया। मैं वाराणसी कपिल चौरावी में मेडिकल कराया इसका फिर इन्होंने आकर के गोड पर गिरने लगे कि लड़की जो है अब मारपीट नहीं करेगी तुम लेकर के जाओ। लड़के के साथ एक इनकी बिजनेस पार्टनर हैं गोड़गोड़े हैं विद्या देवगोड़े उनका नाम है उनकी पूरी अच्छे से मैं नहीं जानता हूँ। उनकी एक्टिविटी उन लड़के के साथ क्या है पता नहीं है क्योंकि मेरी लड़की के मामले में बार बार वो इंटरफेयर करती हैं। वो उनको उसको प्रेरित करना मारना पीटना लड़की पर हंसी करना फप्ती करना
ये एक 27 को, फिर ये 27 की घटना है, 27 इसी 27 को, 27-3 की, मेरी लड़की को ये लोगों ने पूरी प्लान बना लिया था जान से मारने के लिए, क्योंकि ये लोग समझ गए थे कि मेरी लड़की से अब पैसा मिलने वाला नहीं, क्योंकि मैंने साफ मना कर दिया था कि मैं पैसा नहीं लूँगा। इन्होंने मांग किया कि ऐसा है कि हम एक नर्सिंग होम बना रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, हमको 15 लाख रुपया दे दीजिए। हमने कहा कि बेटा अब हमारे पास 15 लाख रुपया नहीं है बेटा, क्योंकि मैं एक साधारण छोटा सा वकील हूँ, कोई ऐसी बड़ी काम हमारे पास आमदनी नहीं है। तब इन्होंने उतनी लड़की जो विद्या गोड़गड़ी कही कि अब तो नहीं है तो इसको ख़त्म कर दिया जाए, फिर दूसरी शादी की जाएगी, दूसरा कोई मोटा मामला मिल जाएगा, अब तुम्हारे यहाँ तो ऐसी शादी दहेज लेकर के मिलता है, फिर दूसरा को पटा लेना। इसी सिलसिले में 27 को उन्होंने पूरी प्लान मेरी लड़की को मारने के लिए बना लिया था। आगे बयान देते हुए पीड़िता आकांक्षा ने बताया कि शादी के समय से ही सास जेठ जेठानी समेत उसका पति भी आकांक्षा से अतिरिक्त 15 लाख की मांग करे थे, जिससे वह नए नर्सिंग होम के लिए जमीन खरीद सके, किंतु हर बार पिता से पैसे मांगना आकांक्षा को गवाराना था, जिसके चलते उससे कई बार मारपीट की गई। शारीरिक पीड़ाओं के साथ मानसिक पीड़ा भी काफी हद तक दी गई, जहाँ खुद को विद्या शंकर की पत्नी बताने वाली औरत अपने मौजूदा पति के होते हुए उस पर अधिकार जता रही थी, तो वहीं दूसरी ओर विद्या शंकर की माँ भी हर बार इस बात को सहजता से लेती रही और तुझे सिर्फ पैसों के लिए ब्याह के लाए हैं, इन शब्दों ने आकांक्षा की दिली हालत भी तोड़ी थी। वहीं मारपीट के चलते बड़ी मात्रा में उसे शारीरिक नुकसान भोगना पड़ा, जिसमें उसने सुनने की शक्ति भी कई हद तक खो दी। जब से मैं शादी करके आई, मेरी सास, मेरे जेठ, मेरे देवर, ये लोग बराबर मुझे सिर्फ पैसे के लिए ताला देते रहे कि तू डॉक्टर की बीवी है तो कुछ लेके नहीं आई, क्या ही लेके आई, तेरे बाप ने क्या दिया, ऐसे करके बराबर करते रहे। मेरा पति नागपुर से फोन करके मुझे गालियां वगैरह, और उनकी पार्टनर जो विद्या भोज खोबड़ा करे है, वो बराबर फोन करके बोलती है रही कि मैं इसकी बीबी हूँ, उनकी एक बच्ची है, ये हमारी बच्ची है, तेरे को सिर्फ पैसे के लिए लाया करके मेंटली टॉर्चर हमेशा हर दिन बोलते रहे, हर दिन। ये सब लड़ाई होने के बाद मेरे सास जेठ ने बोला कि तू नागपुर रहेगी लड़के के साथ। मैं जब यहाँ पे आई तो विद्या भोज खोलबड़े और मेरे हस्बैंड, ये लोग बार बार ये बोलते रहे कि हमें यहाँ कहीं रजिस्ट्री करनी, नर्सिंग होम खोलना, उसके लिए अपने पापा से पैसे मांग के रहा, तुझे को शादी इसलिए करके लेके आया था कि पैसे ही लेके नहीं आई, मेरा तो सब यहाँ सेटल है, ही बीवी है, बच्ची है, तेरे को सिर्फ पैसे के लिए, तो वो भी नहीं कर पाई, ये करके दोनों लोग मेरे पे शुरू से मारते रहे हमेशा मारते रहे ये करके। अगर वो बीवी है, सच में बीवी है, तो ये क्राइम है सर, मेरी लाइफ क्यों बर्बाद है सर, सिर्फ 24 साल की हूँ, अब बताइए मैं यहाँ से क्या करूँगी। आपने अपने घर वालों से संपर्क करने की कोई? सर मेरे पास कोई फोन नहीं है, मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मेरा फोन तोड़ दिया जाता है, ये अपेक्षा लगा के कि तू किसी से नैन मटक्का करती है, किससे बात करती है, हमेशा ये गंदा कमेंट मेरे पे बोलते रहे कि फोन तोड़ दिया। मेरे पास किसी से बात करने की इजाजत नहीं, बाहर जाने की, मैं सिर्फ एक कमरे में रहती हूँ, खाने को भी ये लोग नहीं देते, जो रहता है वो ला के भी नहीं देता जो है ये। सर यहाँ पे सर वो प्रशांत भाव करके एक सामने हम लोग के व्यक्ति रहते हैं सर, वही मदद की है उनके थ्रू यहाँ पे आए। तो वहीं दिनांक 27 मार्च को आकांक्षा को मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई, जिसका पूरा हवाला आकांक्षा ने दिया है। सर 27 तारीख को विद्या और 27 तारीख को जो लास्ट मारपीट हुई, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, वो विद्या खोलबड़े और मेरे हस्बैंड पता नहीं कहाँ गए थे दोपहर में, ये लोग क्या करने गए थे मुझे नहीं पता, वहाँ से मेरे हस्बैंड आए, वो लोग दोनों ऑलरेडी खुन्नस में थे। मेरे हस्बैंड दोपहर से ये कमेंट करते रहे कि पैसा मांगी क्या अपने पापा से, मैंने सीधे बोला कि मेरे पापा इतना कहाँ से ला के देंगे, 15 लाख रुपये सर वो मांग रहे हैं, मैंने बोला कि मेरे पापा कहाँ से, वो दोपहर से ही दिमाग उनका मेरे पे ऐसे चिढ़ा हुआ था सर। उसके बाद शाम को मैं खाना बना रही थी, ये बोले कि तू मांगी क्या पैसे, मैंने बोला कि सर मेरे पापा पैसे नहीं देंगे, मैं सीधे डिनाई कर गई, तो वो दौड़ के आके मेरा गला ऐसे करके पकड़े, फिर मैं जैसे तैसे वहाँ पे, फिर नीचे मेडिकल में पेशेंट आ गई, तो ये पेशेंट देखने बाहर चले गए। उसके बाद मामला सर थोड़ा शांत हुआ, मैं जाके बालकनी में सर खड़ी हो गई, बालकनी में खड़े होने के बाद मेरे हस्बैंड आते हैं, बोलते तू यहाँ पे क्यों खड़ी है, मैं बोली कि घर में दिन भर में रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, कोई बात करने वाला नहीं, मेरा दम घुट रहा, 5 मिनट में बाहर हवा खाने के लिए खड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड आके बोलते घर में जा, मैंने बोला 10 मिनट में खड़े होकर चली जाऊंगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि यार नान मटक्का करने के लिए खड़ी है करके मेरा बाल पकड़ के घसीटते हुए वही बालकनी से पूरा लेके गए, और जब मैं गिर गई तो ये मेरा हाथ पकड़ के से खींचा, जिसके वजह से यहाँ पे मेरे हड्डी में चोट लगी। उसके बाद मैंने जोर से चिल्लाया तो मेरा गला ऐसे मेरे पे बैठ के ऐसे गला दबा के मेरे हाथ गला दबाया, उसके बाद मेरे मुंह के अंदर हाथ डाल के जुबान ऐसे खींच रहे थे कि आवाज करेगी तो तेरा जुबान खींच के बाहर निकल, तब तक अगल बगल ये भाव प्रशांत भाव लोग और अगल बगल के लोग आके मुझे बचाए सर। इस पूरी घटना के बाद पीड़िता के पिता राजेश कुमार ने वाठोड़ा पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी पर साधारण गुनाह दर्ज कर छोड़ दिया गया,
जिसमें धारा 307 लगाना आवश्यक था, लेकिन वहां कुछ बेली पर धारा लगाते हुए इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, जिससे पुलिस यंत्रणा पर सवाल या निशान उपस्थित होता है। जहां हैरत की बात तो यह है कि जो प्राथमिकी दर्ज मेडिकल जाँच के आधार पर की जानी चाहिए थी, वो रिपोर्ट आने के पहले ही दर्ज की गई, जिससे आरोपी और पुलिस की मिलीभगत प्रतीत होती है, ऐसा आरोप फिरियादी ने लगाया है। वहाँ थोड़ा पुलिस स्टेशन हमने गया और मैंने अपने वहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर जो इंचार्ज हैं उनसे जानकारी लिया। उन्होंने पूछा हमसे मुकदमा के बारे में, हमने कहा कि ठीक है मुकदमा तो हम करेंगे ही, तो तुमको छोड़ छोड़ वहीं से हमको ये हरासमेंट शुरू किए लोग, क्या तुमको छोड़ छोड़छाड़ी करनी है? हम कहें कि लड़की का मैटर है, पहले तो मैं समझ लूँ तब छोड़ छोड़छाड़ी करूँ चाहे जो भी करूँ। इसके बाद उन्होंने मेरे से एक तहरीर लिया, तहरीर बच्ची से बर्बली तहरीर लिया गया। इन्होंने इतनी जल्दीबाजी की कि 27 को भर्ती किया, 28 को बगैर किसी गार्जियन का आए हुए डिस्चार्ज करा लिया एफेंस दिए हुए। इनको तो जल्दीबाजी थी, अब क्या मैनेज था ये तो मैं किसी अवक्षेप नहीं कर सकता हूँ क्या किए। 28 को ही बगैर मेडिकल रिपोर्ट लिए हुए, क्या मेडिकल कह रहा है, क्या इंजरी है, क्या कुछ नहीं है, बरवली ने FIR लॉन्च कर दिया। और जब मैं आकर के SOC से कहा कि ये तो 307 का मामला है जो आपने एफेंस लगाया FIR में, ये तो विक्टिम एक दिन में छूट जाएगा, ये लो ट्रायल केस है, मैं एक वकील हूँ, मैं जानता हूँ कानून के बारे में, कानून की लूपहोल भी जानता हूँ आपने जो आप लोगों ने धूल मचा रखा है। तब उसने समझाना मुझे शुरू किया, तुम क्या हो, ये तो अगर ये कहा जाए वो कर, वकील साहब ये आप वकील का काम मत करिए, ये न्यायालय को छोड़ दीजिए, पुलिस का काम है, पुलिस का काम आप करिए। इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर एक री जो है आप कराइए जा करके वहाँ से। मैं वहाँ गया क्योंकि कान के पर्दे इसके सुनाई नहीं दे रहा, हम कहें कि इसका कारण रीजन क्या है, क्यों सुनाई नहीं दे रहा है इसको, ये तो हमको बताइए, कान में छेद हो गया, कान का पर्दा फट गया, हड्डी टूट गई। तो इन्होंने भेजा वहाँ, मुझे दिन भर डिटेन किया गया, मैं CMO को सभी कागज को दिखाया कि ये आपने किया है, विक्टिम का जो है गर्दन पर निशा फिंगर, तो आप इसका फिंगरप्रिंट कहाँ है, तो कहा कि मुझको ये सोचो ने लिखा ही नहीं कि ये फिंगरप्रिंट का भी जांच कराई जाए। हम कहे ये फिंगरप्रिंट कहाँ जाएगा, गोली लगी तो कोई सोचो बताएगा कि इसको गोली लगी कि नहीं लगी, ये बताएगा पुलिस, ये आपका काम है। इसके बाद उन्होंने हमसे इतना, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास सरकार, इतनी वीडियो रिकॉर्डिंग है, उन्होंने मुझको समझाना हुआ, फिर उन्होंने आयोग बुलाया, आयोग का इतना मुझसे बिहेव किए जैसे वैसे मैं ही अपराधी हूँ, इनको बंद कर दो। हमने कहा कि बंद कर दीजिए। मैंने उनसे पूछा कि ये गर्दन के निशान की फिंगरप्रिंट कैसे आएगी, अब ये 307 का मामला को आपने दबा दिया, जो है इंजरी को दबा दिया, सब कुछ यहाँ तक हॉस्पिटल का। मैंने पूछा कि ये बगैर मेडिकल, उन्होंने कहा कि मैं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मैंने FIR लॉन्च किया था 27-28 को, उन्होंने हमको तर्क दिया। हमने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट जो साफ स्पष्ट झलकता है, मेडिकल 29 को हमको मिलती है 30 को, FIR 28 को लॉन्च कर दी, 29 को लॉन्च करके मेडिकल 30 को मिल रहा है। अब बताइए हीनियस क्राइम को, जो लड़की को जान से मारा जा सकता, जन मर सकती है जान से मारने का प्रयास, उसको एकदम बिलेबुल धाराओं में उन्होंने FIR लॉन्च कर दिया। मेरी लड़की इसके साथ कोई न्याय नहीं मिला, मैं पुलिस के यहाँ पे 2 दिन से दौड़ रहा हूँ, मेडिकल से 2 दिन से दौड़ रहा हूँ, विक्टिम आया आधे घंटे में हंसते हुए थाने से निकल गया, ये क्या अपराध है, क्या न्याय है, इस न्याय व्यवस्था को हम क्या, यहाँ की न्याय व्यवस्था और यहाँ की कानून व्यवस्था को मैं क्या कहूँ, ये धज्जी है कानून व्यवस्था की। ये काफी शर्मनाक बात है कि उत्तर प्रदेश से आए किसी उच्च शिक्षित वकील को इस तरह उसी की बेटी के मामले में गुमराह किया जा रहा है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था पर भी कड़ा सवाल फिरियादी ने उठाया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं ऐसा बोला जाता है, लेकिन शायद सबूत की मांग सच्चाई पर भी हावी हो गई है। अगर इसी तरह बलि के लिए बेटियां पढ़ानी है तो क्या फायदा, ऐसा सवाल भी फिरियादी ने इस समय मौजूद किया है। देश में नारी सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने के बाद भी दहेज के इस राक्षस का अंत कब होगा, यह प्रश्न उठता है। जिस देश में होली और रावण जलाए जाते हैं, उस देश में ऐसी कुप्रथा का अंत क्यों नहीं किया जाता, यह बड़ा सवाल भी यहाँ मौजूद होता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष डेमरे की रिपोर्ट।